नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले वाराणसी की अहम खबर के साथ, जहां वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग पर सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज की कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। वादी की मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह से वहां अब भी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। 17 जनवरी को जिला जज की अदालत में व्यास जी के तहखाना का रिसीवर डीएम को नियुक्त किया गया। शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से दाखिल वाद में जिला जज के आदेश पर व्यास जी का तहखाना डीएम के सुपुर्दगी में दिया गया है। तो ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से यह तो साफ हो गया है कि जहां मस्जिद बनाई गई वहां कभी मंदिर था, और अब उसी प्रमाण को और पुख्ता करने के लिए उस परिसर के सर्वेक्षण की मांग उठी है जहां कथित शिवलिंग है, और उसके लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हिंदू मंदिर के खंभे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। 355 साल पुराना विवाद, 1991 से चलती आ रही कानूनी लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से मंदिर का रास्ता बेहद करीब है, क्योंकि जिस दावे को सच साबित करने के लिए एएसआई ने सर्वेक्षण किया, उस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। वो तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है जिससे ये साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और उसी विरासत को सजोने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, यानी जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, उसी तरह ज्ञानवापी में शिव मंदिर को वापस से स्थापित करने की लड़ाई में एक और मांग हुई है। वो मांग है कथित शिवलिंग के सर्वे की। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल हुई है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने वजूखाने का सर्वे कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित एरिया में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अर्जी में कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई से सर्वेक्षण की इजाजत देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी के सील एरिया के सर्वे कराने को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जिस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया है उस जगह पर सर्वे कराया जाए। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में अब जो कुछ भी सामने आया है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता है। मस्जिद के अंदर सनातन के 32 सबूत मिले हैं, उनकी गवाही इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है, और यही बात अब BHU आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कही जा रही है। जो उनका निष्कर्ष है वो ये है कि वर्तमान जो संरचना है उसके नीचे एक बहुत प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर वहाँ मौजूद था, जिसके साक्ष्य के रूप में वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उसमें करीब 32 अभिलेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य पुरावशेष हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि वहाँ एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब ये हिंदू मंदिर किस काल में था, क्योंकि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो सर्वे के आधार पर है, अब सर्वे के आधार पर सिर्फ हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। इन दावों से तो ऐसा ही लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था, और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया, जिसका प्रमाण सर्वे रिपोर्ट से भी साफ हो जाता है।
यानी 355 साल पुराना विवाद अब खत्म होने के कगार पर है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर भी पूर्ण विराम लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत बदली है, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के काले चिट्ठे एक एक कर बाहर आ रहे हैं। अभी शराब और कोयला घोटाले का दाग लगा ही था कि दो और घोटालों की फाइल खुल गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले के बाद दो और घोटालों की फाइल खुल गई है, पीडीएस और डीएमएफ घोटाला। कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों की मुसीबत बढ़ गई है, एक एक कर मामले खुल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले पर ईओडब्ल्यू एसीबी में चार अलग अलग केस दर्ज किए गए। 16 जनवरी को दो और 17 जनवरी को दो केस दर्ज किए गए। चारों एफआईआर में अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के नाम है। डीएमएफ घोटाले में कोरबा के पूर्व कलेक्टर आईएएस रानू साहू सहित 10 कारोबारियों के नाम एफआईआर में हैं। इसके अलावा संजय शेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, पीयूष सोनी, मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा और अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी, डेप्यूटी मार्केटिंग ऑफिसर पूजा प्रतिका केरकेटा के नाम भी है। राइस मिलर संगठन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश रूपटा, पारसमणि चोपड़ा, रोशन चंद्राकर को भी इन घोटालों में आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कोरबा जिले में डीएमएफ के पैसों का बड़े पैमाने पर बंदर बांट किया गया। ईडी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जो मामले दर्ज किए हैं उसके मुताबिक इस अनियमितता में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू समेत अनेक विभागीय ऑफिसर भी संलिप्त पाए गए। शिकायत के मुताबिक कई टेंडर्स में अफसरों को सीधे सीधे 40% रकम पहुँचाई गयी। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा जिले में डीएमएफ से टेंडर्स के आवंटन में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है। गलत ढंग से टेंडर की दरें तय कर ठेकेदारों को सीधे फायदा पहुंचाया गया, जिसके कारण प्रदेश शासन को बड़ी आर्थिक हानि हुई। इतना ही नहीं बल्कि एक निजी कंपनी को भी इन निविदाओं के लिए 15-20% अलग अलग दरों से कमीशन दिया गया। इसी तरह प्रदेश के कई जिलों में डीएमएफ में भारी वित्तीय अनियमितता बरत कर सरकार और शासन को नुकसान पहुँचाया गया। और अब बात करेंगे डिंडोरी की। डिंडोरी के शाहपुरा में एसडीएम निशा नामित शर्मा की मौत से पर्दा उठ गया। हत्या के आरोप में एसडीएम के पति को पुलिस ने मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। डिंडोरी के शाहपुरा में पदस्थ एसडीएम निशा नामित शर्मा की मौत को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 24 घंटे के अंदर मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या के मामले में निशा के पति मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जो मनीष शर्मा जो ग्वालियर के निवासी हैं, उनसे 2020 में मंडला में गायत्री मंदिर से उन्होंने शादी की थी। बाद में उनका पारिवारिक जीवन बड़ा तनावपूर्ण रहा है और ये जो मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था और साथ में उनकी जो सर्विस बुक में है, बैंक अकाउंट वगैरह में अपना नाम ही दर्ज कराना चाहता था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 4 साल पहले शादी की थी। शादी के बाद से मनीष ने पैसों की मांग शुरू कर दी थी। यही नहीं, वो बैंक और दूसरी जगहों पर खुद को नॉमिनी बनाने का दबाव बनाता था। रविवार को भी दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हुई और फिर मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर एसडीएम को मौत की नींद सुला दी। चूंकि मैडम को उस पर अभी भरोसा भी नहीं था, इस कारण से वो डिनाइड करती रही। नहीं, सब परिस्थितियों के कारण अभी कुछ दिन पहले ही व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में, क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसने किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एसडीएम के पति ने साक्ष्य छुपाने के लिए कपड़े, बिस्तर की चादर और तकिए को वॉशिंग मशीन में धो डाला, लेकिन एफएसएल की मदद से पुलिस को हत्या के सबूत मिल ही गए। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने, एफएसएल की टीम ने और एसपी साहब चूंकि खुद ही वहाँ पे पूरी सब चीज़ों को लीड करते रहे तो ये सब चीज़ें वो नष्ट नहीं कर पाया और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है। और पुलिस के द्वारा इसमें 302, 304 भी, 201 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है। एसडीएम निशा की उम्र करीब 50 साल थी और 4 साल पहले उन्होंने ग्वालियर के मनीष शर्मा से शादी की थी, लेकिन इस शादी का ऐसा अंत होगा
ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मानव तस्करी की कई वारदात आपने देखी होगी, लेकिन इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक लड़की से अजीब शर्त रखी गई। ये शर्त क्या थी, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस रैकेट के तार जुड़े मंडला से आगरा तक, कैसे बनी वो काल कोठरी की कठपुतलियां, देखिए रिपोर्ट। मानव तस्करी का खेल, एक अजीब शर्त। भरोसे पर प्रहार, सौदागर बेनकाब। मंडला टू आगरा और कितने किरदार। काम का बहाना, मोहरा बनती वो। काल कोठरी की कठपुतलियां, ये वो गैंग है जिसके टारगेट पर वो लड़कियां होती जिनकी मजबूरी का ये गिरोह फायदा उठाता। ऐसे परिवार को ये गिरोह निशाने पर लेता जिनकी जिंदगी मुफलिसी में गुजर रही थी। इसी मजबूरी को गिरोह अपना हथियार बनाता, पहले भरोसा जीतता, फिर भरोसे को तार तार करता। ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है मंडला में। मानव तस्करी का वो रैकेट जिसका कनेक्शन जुड़ा यूपी के आगरा से। पुलिस को लगातार इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मंडला और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो लगातार बाहर जाने की शिकायतें थी कि उनको बंधुआ मजदूरी में लगाया जा रहा है। एसपी सर के द्वारा इसके लिए एक टीम गठित की गई जो पर्टिकुलर जांच कर रही थी कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रकार से जो नेक्सस चला रहे हैं। कैसे खेला जाता ये खेल, जिस खेल में एक हैरान करने वाली शर्त भी है। शर्त ये कि इस दलदल से निकलना है तो अपनी बहन को इस दलदल में धकेलो। इसी बीच एक महिला जो थी बमनी थाना क्षेत्र की, वो पुलिस के संपर्क में आई। उसके द्वारा शिकायत की गई कि उसकी बच्चियां, जो कि दो बच्चियों का बताया कि वो लोग मंडला में काम करने के लिए लेके गए थे और यहां से उनके बाद कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब मंडला के बमनी थाना इलाके में एक महिला ने अपनी दो बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिन लड़कियों को काम दिलाने के बहाने मंडला ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद महिला का बच्चियों से संपर्क नहीं हुआ। रडार पर आई वो महिला जो लड़कियों को अपने साथ ले गई थी। उस महिला के पास ये जानकारी थी कि उसको कौन महिला के माध्यम से गई थी। तो जब हमें उस संदेही महिला के बारे में जानकारी मिली, उसी के लिए हमने जांच की, उसको पकड़ा गया, उसको पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया गया कि वो दो लड़कियों को यहाँ से लेके गई थी मंडला से आगरा। जब उसे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी के माध्यम से, जो कि वो भी मंडला का ही था, वो लेके गया था। पुलिस के द्वारा उसको ट्रेस किया गया। इस गिरोह में सिर्फ महिला ही नहीं, एक और शख्स था, आरोपी धर्मेंद्र। ये लोग काम के बहाने लड़कियों को मंडला से आगरा ले जाते, वहां सोनू खान से लड़कियों का सौदा करते जिसके एवज में इन्हें रकम मिलती। उसके बाद लड़कियां कहां भेजी जाती किसी को कुछ नहीं पता। उसके माध्यम से जब बात की गई तो उसने आगरा में कहां वो लेके गया था, तो आगरा में जो उसने बताया कि एक अन्य आरोपी था जिसके पास वो लोग ले जाते हैं लड़कियों को, और वहाँ पर उसको कुछ पैसों के लिए, लगभग 5,000 रुपये वो देते हैं और वो अपनी लड़कियों को जो है वहाँ पर सौंप के आ जाते हैं। उसके बाद उन लोगों का उनसे संपर्क टूट जाता है, वो लड़कियों को कहाँ लेके जाते हैं उनको जानकारी नहीं होती है। एक लड़की जो इस गिरोह के चंगुल से छूटी, उससे भी कई राज खुले। ये गैंग जिस्म का सौदा भी करता है, यानी शोषण कई तरीके से किया जाता, बंधुआ मजदूर बनाते और अस्मत का सौदा भी। पुलिस के द्वारा जो आगरा में आरोपी था, इन दोनों आरोपियों के माध्यम से उसको पकड़ा गया, उसे पूछताछ की गई और उसके जो तहत है 5 लड़कियों को दस्तयाब किया गया। इस प्रकार से टोटल हमारे पास जो लड़कियां अभी हम लोगों ने दस्तयाब कर ली है वो 8 लड़कियां हैं। इस नेक्सस की और कितनी कड़ियां हैं, कितने राजदार, कई राज का खुलना अभी बाकी है। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये लव स्टोरी जरा हटकर है। प्रेमी को खुश रखने और कार दिलाने के लिए नौकरानी ने कैसे अपने मालिक के घर डाका डाला, आप भी देखिए खुलासा। नौकरानी का प्यार 20 लाख पार, प्रेमी खरीदे कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन गुनहगारों को बेनकाब करने के लिए रखी गई है जिनका खेल देख
सब दंग है। मुरैना के कोतवाली थाना इलाके में शराब ठेकेदार नीरज के यहाँ अलमारी से रुपए गायब हो रहे थे। पहले दिन 6 लाख रुपए गायब, दूसरे दिन 2 लाख। आखिर ये चोर कौन था? तिजोरी देखी तो होश उड़ गए, लाखों के सोने के जेवर गायब थे। सीसीटीवी में कोई बाहरी शख्स नजर नहीं आया, लेकिन जब नजर नौकरानी के मोबाइल पर गई तो मोबाइल में तस्वीरों ने 20 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया। सीसीटीवी कैमरा उनके घर पर लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा को चेक किया तो कोई बाहर का व्यक्ति आता जाता नहीं दिखा। तो जहाँ काम करने वाली जो इनकी नौकरानी है, उसके हाथ में एक मोबाइल दिखाई दिया जो एंड्रॉइड मोबाइल था और जो कीमती मोबाइल था। उससे पूछा गया तो उसका कहना था मैं तो अनपढ़ हूँ साहब। तो उसको उसका लॉक को चेक किया गया तो वो पैटर्न लॉक जो था वो नंबर्स का था। तो इससे लगा कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रही है। फिर पैटर्न लॉक जब खुलवाया गया, मोबाइल को चेक किया गया, मोबाइल में नौकरानी की तस्वीर थी उसके प्रेमी के साथ। बेरोजगार प्रेमी पर नौकरानी रुपए लुटा रही थी, जिससे चोरी की और चोरी के रुपए से प्रेमी को कार दिलवाई। नौकरानी शादीशुदा है, जिसने प्रेमी को खुश करने के लिए मालिक के घर पर डाका डाला। इधर प्रेमी भी प्रेमिका के चुराए गए रुपयों पर ऐश कर रहा था। फोटोग्राफ्स में उसके प्रेमी के फोटो दिखे, एक नई स्विफ्ट डिजायर कार के कुछ फोटोग्राफ दिखाई दिए। और उससे जब फिर इसके प्रेमी को उठा करके लाया गया, उससे एक मतमली से पूछा थी तो उसने सारी घटना स्वीकार की। और इसने बताया कि इसने एक अपने भाई के नाम से एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीद ली है और साथ ही कुछ अन्य सामान खरीदा है। बाकी पुलिस के द्वारा 4 लाख रुपये नकद, 12 लाख रुपये का लगभग जेवर और स्विफ्ट कार जब्त कर ली है। शेष थोड़ा सा जो सामान बचा है वो भी सीख जब्त हो जाएगा। 2.5 साल से इस घर में ये नौकरानी काम कर रही थी, जिसने इससे पहले भी क्या डाका डाला इसकी जांच जारी है। तो जरा होशियार, कहीं कोई आपके भरोसे की भी चोरी न कर ले। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खबर शिवपुरी की, जहां एक दंपति जंगली जानवरों से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़े। वो जब जानवर से तो बच गए, लेकिन मौत से पीछा नहीं छुड़ा पाए। पत्नी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई, तो वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। गिरी तो वो 4 बजे थी, रात 9 बजे खत्म हुई। पेड़न में गाद बनाते थे सब साले के, खा मालूम जानवर संग पड़ गया उनके, मालूम नहीं है कोई झगड़ा हो गया, खा हो गया। कौन गिर गए? बच्ची गिर गई पहले, फिर उस आदमी गिर गया। तुम्हारी बच्ची का नाम क्या था? सुगनाथ। सुगनाथ, और उसका लड़के का? इमरान। पता, पति पत्नी थे वो? पति पत्नी थे। 1 साल भाई थी, तो शादी कर ली थी। अच्छा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, जिसका असर यह हुआ कि मासूमों को साफ पीने का पानी मिलने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। महासमुंद के एकलव्य विद्यालय के बच्चे नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर थे। यहाँ पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने एकलव्य स्कूल के बच्चों के लिए पानी के 3 टैंकर का इंतजाम किया है। पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था के लिए प्रशासन 12 फीट का कुआं भी खुदवा रहा है। एकलव्य स्कूल के छात्र नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर थे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दिखाई कि 15 दिन से स्कूल का बोर खराब हो गया था और 2 साल से स्कूल में पानी की समस्या है, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन उदासीन बना हुआ था। जो खबर न्यूज 18 पर चली तो प्रशासनिक महकमे की नींद खुली और बच्चों के लिए साफ पानी का इंतजाम किया गया। महासमुंद से सोमनाथ तोंडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आप ये देखिए कि न्यूज 18 ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था, और इसका असर ये हुआ कि बच्चों को साफ पानी मिल रहा है। और आप देखें कि ऐसे कई जगह इलाके होते हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब लोगों को परेशान होना पड़ता है पानी के लिए, और ऐसे कुछ मामला यहाँ पर भी सामने आया था। और जब इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया
तो नहर का पानी पी रहे बच्चों को साफ पानी मिलने लगा। और महासमुंद का ये मामला है जहां पर कतार से बच्चे पहुंचे हुए हैं पानी भरने के लिए, लेकिन अब इनको ये मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इनको साफ पानी पीने के लिए मिलेगा। और अब बात सूरजपुर से अहम खबर की, जहां 3 घंटे बाद भी छात्रों को प्रदर्शन लगातार जारी है। एकलव्य विद्यालय की सैकड़ों छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कड़कड़ाती ठंड में बीच सड़क में बैठे कर रही आंदोलन। प्रतापपुर जनपद कार्यालय के सामने सड़क पर बैठी छात्राएं आश्रम अधीक्षक को हटाने की मांग ये छात्राएं कर रही है। इनका ये कहना है कि आश्रम अधीक्षक मनमानी करते हैं और ऐसे आरोप लगातार छात्राएं लगा रही है। शिक्षा विभाग और पुलिस के आला अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं। देखिए छात्राएं किस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठी हुई हैं और उनका कहना है कि जो अधीक्षक हैं उनको हटाया जाए, वो मनमानी करते हैं और लगातार समझाइश दी जा रही है, लेकिन इसका कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी खबर है सूरजपुर। तो छात्राओं की मांग है कि अधीक्षक को हटाया जाए। आश्रम अधीक्षक जो हैं उन पर मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। सूरजपुर में छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया है और बहुत ज्यादा ठंड है उसके बावजूद वे लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक अधीक्षक को हटाया नहीं जाएगा तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। संवाददाता वरुण राय जुड़ गए। वरुण, छात्राएं धरने पर बैठी है, अधीक्षक को हटाने की मांग कर रही है, क्या कुछ सुनवाई हुई इनकी? रियो देखिए, मौके पर जो है एसडीएम प्रतापपुर से लेके शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। बावजूद जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं, उनका साफ कह रहे हैं कि उनकी मांगे हैं प्राचार्य और अधीक्षिका को हटाने की मांग है। और कारण क्या है, वो कारण वो बस कलेक्टर को ही बताएंगे। तो फिलहाल वो कलेक्टर को मौके स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं कि कलेक्टर को ही वो अपनी समस्याएं बताएंगे और समस्या बताने के बाद प्राचार्य और अधीक्षिका को हटाया जाएगा, उसके बाद ही वो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगी। और फिलहाल जो है प्रतापपुर जनपद कार्यालय के मुख्य सड़क पर वो बैठे हुए हैं पूरे सभी बच्चे और जाम की स्थिति बनी हुई है और आला अधिकारी जो है समझाइश का दौर फिलहाल जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए। तो मामले की जांच जारी है और समझाइश दी जा रही है ताकि धरना खत्म किया जा सके। तो भाई महासमुंद जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे क्लासरूम के बाद जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। 2 साल पहले बच्चों को प्रकृति से जोड़कर पढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद जंगलों और पहाड़ों में नेचर क्लास शुरू हुई। जी हाँ, नेचर क्लास शुरू हो गई और यहाँ के बच्चों ने राज्य स्तरीय इको क्लब प्रतियोगिता में 50,000 रुपए का इनाम भी जीता। प्रकृति के बीच गणित फिजिक्स को अनूठे तरीके से पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।